फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डरना मत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गोस्ट स्टोरी के बारे में या फिर एक ऐसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में जिनने चार लड़कों को हिला दिया, जिनका दूर दूर तक गोस्ट स्टोरी से या हॉन्टेड प्लेसेस से कोई वास्ता नहीं था। ये अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे थे बट ये इंसिडेंट ने उन चारों को हिला दिया पूरी तरह से। तो ये जो स्टोरी है ये कसारा घाट की स्टोरी है। जो कसारा घाट है ये महाराष्ट्र के एक घाट का नाम है जो मुंबई से नासिक का रूट है, उसके बीच में आता है ये घाट। तो ये स्टोरी ऐसी है कि चार फ्रेंड थे, वो एक कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी का काम था बॉयलर्स मैन्युफैक्चरिंग करना, बड़े बड़े बॉयलर को मैन्युफैक्चर करना। तो उनने कुछ बॉयलर एक नासिक की कंपनी के लिए बनाए थे जिसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था। वो टेक्निकल फॉल्ट रिपेयर करने के लिए वो अपने चार इंजीनियर को भेजते हैं कि जाके चेक करो कि वहां पे बॉयलर का क्या इशू आ रहा है। वो कंपनी एक उनके लिए कार अरेंज करती है ड्राइवर के साथ, एक मारुति स्विफ्ट इनके लिए अरेंज करती है, और चारों ड्राइवर के साथ नासिक के लिए निकलते हैं शाम में ऑफिस खत्म होने के बाद। ऑन द वे ये अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, और ये लोग पूरा दिन ऑफिस में थे तो ये थक गए थे। ये ड्राइवर को कहते हैं कि हम सो जाते हैं, कुछ लगे तो हमें उठा देना। तो ड्राइवर भी बोलता है ठीक है आप लोग सो जाओ, और ये चारों सो जाते हैं। एक पौने बारह से सवा बारह के करीब इनकी कार कसारा घाट से गुजरती है, और जैसे ही 2.5 से 3 किलोमीटर होते हैं उस घाट पे ये कार जोर से हिलने लग जाती है, इनकी बहुत जोर से हिलने लग जाती है और जोर से कार में आवाज आनी शुरू हो जाती है। ड्राइवर कार को बाजू में लेता है और तब वो लोग नोटिस करते हैं कि इस कार जो इनकी कार है वो कार का जो राइट हैंड साइड का ड्राइवर के साइड का टायर है वो पूरी तरह से जल गया है, कट हुआ है, पूरा लिटरली कट हुआ था और पूरी तारे बाहर निकल गई थी, क्योंकि वो करीबन 6-7 घंटे से नॉनस्टॉप कार चला रहे थे तो शायद हीट के वजह से वो टायर गर्म होके बस्ट हुआ था। तो उनके पास टेक्नी होती है, वो अपने टूल बॉक्स वगैरह निकालते हैं, कार का टायर रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। उतने में वो चारों में एक फ्रेंड था जिसका नाम था प्रफुल्ल, वो कहता है कि मुझे वॉशरूम आया, मैं टॉयलेट के लिए 2 मिनट जाके आता हूँ। उसको बोलते हैं हाँ तू जाके आ जा जब तक ये रिप्लेसमेंट होता है टायर का। उतने में पीछे से एक ट्रैक्स आती है जिसमें 3 आदमी बैठे होते हैं। वो तीनों इनको पूछते हैं कि आपको कुछ मदद चाहिए क्या? ये बोलते नहीं हम लोग हैं, हम लोगों के पास टायर है, टायर पंचर हुआ था, बस 2-4 मिनट में ये रिप्लेस हो जाएगा। बोलते जल्दी से ये रिप्लेस कर लेना और फटाफट ये एरिया छोड़ देना, इस एरिया में रुकना मत, यहाँ ठीक नहीं है रुकना आपके लिए, हम यहाँ के लोकल हैं आपको अभी बता के रख रहे हैं। तो पूछते हैं कि क्या है? बोलते इतना सब बात मत करो, आप फटाफट अपना काम निपटा के यहाँ से फटाफट जल्द से जल्द निकल जाओ। वो चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, ड्राइवर भी एक दूसरे को ट्रेन को देखता है कि ऐसा क्या है इस एरिया में जो ऐसा सब ये वार्निंग देखे गए हैं, बट उनको कुछ समझ में नहीं आता। इनका टायर रिप्लेस हो गया था, उन्हें स्टेपनी चेंज कर ली थी, बस अभी ये प्रफुल्ल के लिए रुके थे कि प्रफुल्ल आ जाए वॉशरूम करके और ये लोग निकलते हैं। जैसे ही प्रफुल्ल वहां पहुंचा था टॉयलेट करने तो उसे वहां पे क्रीपी सॉन्ग, किसी का बुरी तरह से हंसने की हल्की सी आवाज आती है, जो शैतानी हंसी होती है वो टाइप की उसको हंसी की आवाज आती है। तो वो पहले तो निगलेक्ट करता है, उसे लगता है कि मैं नींद में था तो शायद मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूं, बट वो आवाज अभी जोर जोर से आनी शुरू हो जाती है और वो बहुत जोर से डर जाता है। मतलब उसकी हवा वहां पे पूरी तरह से टाइट हो जाती है, हवा निकल जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो आवाज ऊपर की तरफ से आ रही थी, और जब आवाज एक और लेवल बढ़ जाता है एक आवाज का, तो ये ऊपर देखता है कि मैं देखता हूं ऊपर से कहां से ये आवाज आ रही है। जब वो ऊपर देखता है तो उसका चेहरा ऊपर का ऊपर ही रह जाता है और वो स्टैचू हो जाता है, मतलब वैसे के वैसे ही खड़ा रह जाता है। और ये यहां से आवाज दे रहे होते हैं प्रफुल्ल प्रफुल्ल, तो कोई उसमें से कोई उसको रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था प्रफुल्ल का, और ये लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है। उतने में वो जो 3 उसके फ्रेंड खड़े थे
उनमें से एक फ्रेंड थोड़ा आगे जाता है और बहुत जोर से उसे चिल्लाता है, प्रफुल्ल। तब जाके वो होश में आता है और भाग के कार की तरफ आता है। पूरी उसकी सांस चढ़ी हुई थी, बहुत जोर से ब्रीदिंग कर रहा था, बट उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल पाता। वो इतने भी होश में नहीं था, इतना घबराया हुआ था कि वो एक वर्ड भी बोल नहीं पा रहा था। उसे पूछते हैं ये लोग, बहुत ट्राई करते हैं पूछने का कि क्या हुआ है, बट वो एक वर्ड भी कह नहीं पाता। बट वो क्या करता है कि उस झाड़ की तरफ ऐसा फिंगर पॉइंट करके इशारा करके बोल देता है कि वो झाड़ की तरफ देख लो। जब वो चारों ड्राइवर और उसके तीन दोस्त उस झाड़ की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि झाड़ से एक जिस औरत को सर ही नहीं है, गले के ऊपर का पार्ट ही नहीं है, वो झाड़ से चल के नीचे आ रही है, पूरे फटे हुए सफेद कपड़े पहने हैं उसने, और वो इनके तरफ आ रही है। ये भागते हैं, ये लोग सब कार में बैठते हैं, और अब जब ये कार में बैठते हैं इनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बहुत ट्राई करते हैं, सबके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, बट इन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। फुल ट्राई करते हैं, वो पूरा चाबी घुमा रहा होता है बट कार स्टार्ट नहीं होती। उतने में सब मिलके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। सब जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के 10 से 20 सेकंड के बाद ही उनकी कार स्टार्ट हो जाती है। फिर जो ड्राइवर वहां से कार भगाता है, जो उनका डिस्टेंस होता है वहां से 1.25 घंटे का, वो जहाँ पे उनको जाना है वहां का डिस्टेंस होता है, ये इनको वहाँ 50 मिनट्स में पहुंचा देता है। वो इतनी स्पीड गाड़ी भगा रहा था जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, कि मतलब उसको ना कोई टर्न का डर था, ना किसी गाड़ी कोई मेरे को उड़ा देगी उसका डर था। उसको बस फटाफट ये एरिया छोड़ना था। उसने बहुत स्पीड कार भगाई, बट जब उन्हें कार स्टार्ट की और थोड़ा आगे निकले, उनमें से दो फ्रेंड ने पीछे भी मुड़ के देखा था और उन्हें नोट किया था कि वही औरत उनके पीछे चल के भी आ रही है। मतलब रोड के बीच में वो चल रही थी। तो ये उनका लास्ट मीन्स उनका ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद सबके सब अपने घर चले जाते हैं। वो अपना साइट का काम वगैरह कर लेते हैं। साइट करने के बाद उनने होटल में अपना रूम बुक किया था। तो पहले तो वो 6 बजे ही पहुंच जाते हैं उस मॉर्निंग में वो ऑफिस में, अपने काम खत्म करते हैं और फिर रूम पे चेक इन करते हैं। रूम में चेक इन करने के बाद वो लोग में से तीन लोगों को इतना बुरी तरह से बुखार हुआ था, इतना बुरी तरह से फीवर हुआ था कि वो नेक्स्ट डे वापस अपनी सिटी के लिए ट्रैवल भी नहीं कर पाए। उनको अपना ट्रिप 2 दिन के लिए डिले करना पड़ा। उनने कंपनी को भी ये इंटीमेट किया कि अभी वो ये सब स्टोरी तो बताना पॉसिबल नहीं था कि ये स्टोरी बताएंगे, कोई उनकी बात पे यकीन करेगा नहीं करेगा, बट उन लोगों को फीवर है और वो ट्रैवल बैक नहीं कर सकते, ये उनने कंपनी में इंटीमेट किया। अपने घर वालों को भी ये सब किस्से बताए और आज भी उनकी वो घाट का नाम सुनते ही रूह कांपती है। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।